हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नैनम कुजीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चना चाट। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दही लेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून जो है वो पानी डालेंगे। अगर आपको बहुत गाढ़ा करना है तो आप इसमें पानी ना डालिए, इट्स अप टू योर चॉइस। दही जो है बहुत अच्छी तरह से विस्क हो गया है। अब हम इसमें अपने सॉसेस डालेंगे। इसमें जो है मैं धनिया पुदीने का पेस्ट डालूंगी। मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह से कूट लिया था, तकरीबन आप समझ लें 1-1 टेबलस्पून। और इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून नमक डाला था और इसको अच्छी तरह से कूट लिया था। अब हम इसके अंदर इमली का पल्प डालेंगे 1-2 टेबल स्पून। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना खट्टा चाहिए। इसको मैंने इस तरह से किया है कि मैंने गर्म पानी लिया और उसको 2-3 मिनट जो है वो उसको उसके अंदर पानी में भिगो दिया और फिर मैंने इसके अंदर से सीड्स निकाल के इसका पल्प यूज किया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चीनी डालेंगे। मेरे पास ब्राउन शुगर अवेलेबल है तो मैं वो यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज कर लीजिए, नो इशू। चाट मसाला डालेंगे। अब सब चीजों को हमने अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेना है। इसके अंदर प्याज डालेंगे, मैंने छोटा प्याज लिया है। आप इसे किसी भी तरह से स्लाइसेस काट लीजिए, जैसा भी आपको पसंद है। टमाटर डालेंगे, टमाटर मैंने आधा लिया है और इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हरी मिर्चें डालेंगे जो 4-5 मैंने ली हैं, जो स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बॉयल चने मैं यूज कर रही हूँ 1 कप। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से चनों को। चले अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। आलू जो है वो मैंने स्मॉल साइज का लिया था और मैंने इसको बॉयल कर लिया था। इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला था। आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें। और फिर मैंने इसको जो है वो क्यूब्स में कट कर लिया था। चले अब हम आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा चना चाट इज रेडी, लेट्स सर्व। काइंडली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो नई अपडेट्स हैं, नई वीडियोस हैं, वो आप तक इजीली पहुंच सकें। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको बहुत इजी लगी होगी और बहुत आसान लगी होगी। डू ट्राई एट होम एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चले मैं फिर आऊँगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।